हिसार इस बार बदलाव चाहता है, बदलाव सत्ता का, शासन का, हिसार पर राज कर रहे हुक्मरानों का। यहाँ के लोग झूठे वायदों से तंग आ चुके हैं, झूठे वायदे देने वालों को इस बार तगड़ा रगड़ा लगाना चाहते हैं, सबक सिखाने के मूड में है। इंतजार अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का है। जनता पिछले 10 साल से मलाई खा रही नेताओं की इस बार छुट्टी करना चाहती है, उन्हें घर बैठाना चाहती है। और ऐसा है तो फिर रिप्लेसमेंट किसके साथ? ये सवाल आते ही आपके दिमाग में कुछ पिक्चर्स आएंगी, एक तस्वीर कम से कम जरूर आएगी, और वो तस्वीर है रामनिवास राणा की। तफसील से बताएंगे कि इस बार राणा के सितारे बुलंद क्यों हैं। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं सर्वेश कुकरा। डॉक्टर कमल गुप्ता, दो योजनाओं से लगातार हिसार के विधायक बनते आ रहे हैं, MLA बनते आ रहे हैं, और इस बार तो मंत्री पद पर भी उनका नंबर लगा, लेकिन कोई कमाल नहीं दिखा पाए, ये आप और हम सब जानते हैं। पिछले चुनाव में कमल गुप्ता को 50.39% वोट हासिल हुए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी, उनके सामने खड़े कांग्रेस के रामनिवास राणा को 34.33% वोट मिले थे, यानी कि उनको 33,843 वोट हासिल हुए थे। हार गए थे, बेशक हार गए थे, लेकिन इस बार राणा जबरदस्त तैयारी के साथ मैदान में कूद चुके हैं। राणा के साथ तीन बड़े फैक्टर्स हैं जो उन्हें जीत की तरफ लेकर जाते हैं, इन पर तफसील से चर्चा करते हैं। पहला तो ये कि OBC का सबसे बड़ा वोट बैंक राणा अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ले जाने के प्रयास में हैं। दूसरा, SC वोटर जो कुमारी शैलजा की वजह से उनकी तरफ जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और तीसरा, जाट वोटर है जो पहले से BJP से नाराज है, खफा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि खिलाफत में खड़ा हो रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जनता हिसार में BJP के उबाऊ और थकाऊ नेताओं से तंग आ चुकी है। राणा को इस बार सिंपैथी वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रामनिवास राणा इससे पहले 2 बार हिसार सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। जनता को भी लगता है कि तीसरा मौका है, तो कम से कम जो 2 बार उनको हराया था, इस बार उनको जिता कर ही भेज दिया जाए। पहला चुनाव उन्होंने 2009 में लड़ा और दूसरा 2019 में। जनता के बीच उनकी छवि मिलनसार, ईमानदार और काम करवाने वाले नेता की रही है, और हिसार में जो बदमाशियां पिछले दिनों हुई हैं, इन बदमाशियों के साए में जीने वाले हिसार के लोगों को अब लगता है कि उन्हें रामनिवास राणा जैसे मजबूत, दिलदार और जिंदा दिल नेता की सख्त जरूरत है, ना कि किसी दब्बू किस्म के नेता की जो उनके बीच में आने की जहमत तक ना उठा सके। कुल मिलाकर राणा के जरिए जनता खुद को महफूज रखना चाहती है, महफूज समझती है कि राणा आते हैं तो वो महफूज रह सकते हैं। हिसार के सैनी समाज को अगर कोई अपने साथ ले जा सकता है तो वो राणा ही है। बेशक ये माना गया था, या कुछ लोगों ने ये कहा था कि सूबे के मुख्यमंत्री भी सैनी समाज से आते हैं तो फिर क्या, लेकिन हिसार का सैनी इस बार राणा के साथ में जाकर राज में हिस्सेदारी चाहता है। उनको लगता है कि राज में हिस्सेदारी होनी चाहिए, बदलाव के साथ जाना चाहता है। रामनिवास राणा उनकी पहली पसंद हो सकती है। उन्हें लगता है कि 1987 के बाद अब वो दौर आया है जब उन्हें रामनिवास राणा जैसे नेता की जरूरत है। रामनिवास राणा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और आपको क्या लगता है कि रामनिवास राणा कितने फिट बैठते हैं हिसार के लिए, हिसार की जनता के लिए, हिसार विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए? क्या वाकई रामनिवास राणा जैसे लोगों की हिसार की जनता को जरूरत है, उन जैसे नेता की जरूरत है? और कांग्रेस को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई जो है BJP को इस बार कांग्रेस शिकस्त दे सकती है? इस पर खुलकर कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स के साथ में हम आपके साथ आएंगे। तब तक आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।